नेक्स्ट लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज 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 शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट। ठीक है, यार ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज हीट है ना। हो गया, थैंक यू। है ना, मान लीजिए एक सीट है, ठीक है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, शीट मतलब समझते हो ना, थिन पेपर टाइप, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस उठाना पड़ेगा, हमें गॉसियन सरफेस उठा रहे हैं, समझ गया, पेपर से पार कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। मान लो इस वाले सरफेस का एरिया है डेल्टा ए, इधर भी हो जाएगा डेल्टा ए, गॉसियन सरफेस जो हमने उठाया है सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल भी ले सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, गॉस लॉ क्या बोलता है, ई डॉट डी एस इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ई डॉट डी एस जब लिखेंगे तो कहाँ कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे हो गया ई इंटू डेल्टा ए, ठीक है, तो एक सरफेस हुआ, दूसरा एक सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इसका कर्व्ड सरफेस होगा, होगा ना, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एंगल क्या है, 90, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस सिमिलरली सीट के इस साइड में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर, तो यहां से फ्लक्स लिखेंगे तो यहां से वापस क्या आएगा, ए इंटू डेल्टा ए, कर्व का इधर भी जीरो, अरे होगा ना, क्यों इनक्लोज्ड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर यही एरिया इंक्लोज है ना, कितना डेल्टा है, तो उसके अगर चार्ज हम बात करें कि इंक्लोज तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया डेल्टा है, बोलो अपॉन टू ई डेल्टा ए, सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट।
अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने वो किया था कुछ दिन पहले, कल परसों, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिसिटी लिखा था, वो आया था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, इनफाइनाइट के लिए थीटा क्या हो गया था 90, तो क्या आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब वही है रिजल्ट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दूसरा होता है प्लेट या प्लेन बोलो, प्लेट मतलब जिसका थिकनेस हो, ठीक है, तो जब थिकनेस होगा ये नहीं दिखेगा, है ना, ये नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा प्लेट। तो इसके दो सरफेस हैं, यानी कि चार्ज होगा इधर भी होगा इस सरफेस पे भी, और अंदर वाला सरफेस जो है तुम्हें दिख नहीं रहा है उस पर भी चार्ज होगा, अरे होगा ना। तो इस केस में अगर सेम चीज करोगे आप, है ना, मान लो सेम चीज किया मैंने, वापस गॉसियन सरफेस उठाया, ठीक है, गॉसियन सरफेस उठाया सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, सारा कुछ वही कर रहे हैं, पर क्या पड़ेगा, 2E delta A, ये आना ही आना है ना, यहाँ तक तो कॉमन है, फर्क पड़ेगा क्यो इनक्लोज्ड में। अब यहाँ पे जब क्यो इनक्लोज्ड आप लिखोगे, ठीक है, सिग्मा मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो ऊपर वाले सरफेस पे भी है और अंदर एक सरफेस है उस पर भी है, दो सरफेस हो गए ना यहाँ पे, तो चार्ज क्या आ जाएगा, 2σ (Δa)/ε₀, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, σ/ε₀, यही डिफरेंस है। सीट अगर बहुत थिन है तो हम मान के चलते हैं कि एक ही सरफेस दोनों तरफ है, इसलिए इनक्लोज चार्ज पे फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे मैंने σ(Δa) लिखा क्योंकि इधर वाला चार्ज ही उस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। प्लेट के केस में या प्लेन के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्लेन भी बोलेगा, प्लेन का मतलब जिसका एक सरफेस पता हो दूसरा सरफेस पता नहीं हो, तो उसमें भी यही आएगा, ठीक है। अरे बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो मान लो इसके नियर डेल्टा भी, तो डेल्टा भी क्या होता है -E(B), यही होता है ना यार, तो क्या हो जाएगा σ/2ε₀(D), किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही होगा ना, ठीक है। तो देखिए आज बारिश चली गई है ना, क्या है क्या बारिश भी जा रही है, लाइट भी जा रही है, आजकल हर कोई जा रही है नहीं मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं तो आ रहा हूँ, ऐसा ही आज मन किया आनंद कुमार पान रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी पान लेता हूँ आज। डेट वेट तुम लोग करते हो, मैं कहाँ से करूंगा यार Thank you.
हो गए कमिंग। ठीक है नेक्स्ट देखिए कंडक्टर। कंडक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होगा चाहे जो भी कंडीशन हो। मैंने पहले ही बताया था कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते रहेंगे है ना, और अपने आप को खुद इस तरीके से रीअरेंज करेंगे ताकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए जीरो। ठीक है दूसरा ऑल चार्जेस रिसाइड ऑल चार्जेज रिसाइड आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। जितने भी चार्जेज आप दोगे कंडक्टर से वो सारे के सारे कहाँ होंगे आउटर सरफेस पे। हाँ देखो मान लो एक कंडक्टर है ठीक है ना, आपने इस पे चार्ज किया क्यों? ठीक है देखते हैं एक गॉसियन सरफेस उठाया हमने कंडक्टर के अंदर, गॉसियन सरफेस उठाया ठीक है, गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? E डॉट ds Q enclosed upon epsilon naught। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो Q enclosed क्या होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे चार्जेस कहाँ पे हैं? सरफेस। ठीक है नेक्स्ट लिखो इसको फटाफट।
नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। ये भी बता चुका हूं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब मान लो नेक्स्ट कैविटी देखते हैं, कैविटी इन कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर है उसके अंदर एक कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह नहीं, यानी कि ये पूरा सॉलिड है वाला रीजन, ऐसे बीच में कैविटी है। मान लो आपने इस पे चार्ज दिया क्यू, ये कंडक्टर, तो कैविटी के अंदर फिर से अगर गॉस लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर चार्ज नहीं है तो, है ना। तो कंडक्टर का जो कैविटी होता है ना उसमें अगर चार्ज नहीं है तो किसी भी कंडीशन में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, बस कैविटी के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना। इस चीज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग। कहने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं इसे रीजन में। आपने देखा होगा एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को आप शील्ड नहीं कर सकते, कहने का मतलब आप ऐसा रीजन नहीं बना सकते जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे। सिंपल सी बात है, ऐसा किसने रूम बनाया जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। बैलेंस करना अलग चीज है, तो मैं टांग दूंगा हवा में तो हवा में ही रहोगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स आ गया वो अलग चीज है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, है ना। अब एस्ट्रोनॉट मतलब तुमने जो देखा है जो सैटेलाइट वगैरह रिवॉल्व कर रहा है स्पेस स्टेशन समथिंग कॉल्ड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है अर्थ सरफेस से। वहां पे तुमने देखा होगा वीडियो, अगर देखा होगा तो उसमें तैरते रहता है हवा में, तैर रहा होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो नेट फोर्स जीरो हो रखा है, हवा में तैर रहा है, वो अलग चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही नहीं इस रीजन में, बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और अगर तुम अर्थ पे हो तो ऐसा जगह नहीं बना सकते जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, फील्ड नहीं कर सकते, बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करना डिफरेंट चीज है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए थंडर स्टॉर्म वगैरह में बोला जाता है कार में तो चार्जिंग में रहे, क्योंकि आप कैविटी के अंदर है तो चार्जेज अगर गिरेंगे भी तो आपको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। देख लो ये भी है ना, अगर इलेक्ट्रिक खुद से लिखो यार, तो मैं ही लिखाऊंगा।
लाइट आई दो चाय यार, बड़ा मीठा होता है, तो मीठा नहीं कर सकते क्या? कॉफी थोड़ा सा, कॉफी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा देना, कॉफी थोड़ा सा नहीं का अगर तो के लिए ना अलग दे दे भाई, जो है वो दे दे। किसे को पीना है क्या कॉफी? तुम लोग बड़े शरीफ हो यार, वो उसको बोल रहा है, बाकी बच्चे तो बोलते रहते सर हमें भी दिलवा दो। तो ये हो गया। हाँ, अब इसमें आगे और क्या कर सकते हैं? ग्रेविटी, ठीक है, मान लो इसके अंदर चार्ज रख दिया, क्या होगा? चार्ज रखेंगे, कंडक्टर है, कंडक्टर के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, कुछ चार्जेज यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या आना चाहिए? प्रूव कर दूंगा कि नेगेटिव ही आएगा, वैसे टेंशन मत ले, ठीक है। पूरा कंडक्टर एज अ होल क्या था? न्यूट्रल। अरे न्यूट्रल था ना, तो न्यूट्रल था तो यहाँ नेगेटिव अगर आया तो इधर उतना ही पॉजिटिव आना चाहिए, बोलो यार, ठीक है। मान लिया यहाँ पे Q आया, तो यहाँ पे Q डैश आएगा, Q प्लस Q डैश क्या होना चाहिए? न्यूट्रल था ना, तो जीरो होना चाहिए, यानी कि जो भी होगा Q इज माइनस Q डैश। दूसरा, यहाँ पे मुझे नहीं पता, अच्छा ये भी Q ही ले लिया क्या? Q1 ले लो यार, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्यों ले जाए ना। अब मान लो कितना चार्ज आएगा मुझे नहीं पता, हमने क्या किया, वापस एक क्वेश्चन सरफेस उठाया, ये माइनस है ना, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, लगाते हैं गॉस लॉ, क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे सही है ना। अब हमने जो गॉसियन सरफेस उठाया है वो कहाँ है? कंडक्टर के अंदर, अरे है ना। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या होता है? हमेशा जीरो। इनक्लोज चार्ज क्या हो गया? क्यू प्लस क्या आया? क्यू वन इक्वल्स माइनस क्यू, इसका मतलब जितना रखा था उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इस पे नेगेटिव उतना ही आया है तो इस पे इतना ही पॉजिटिव आएगा, यानी कि क्यू वन पॉजिटिव आएगा। क्यू वन क्या, एक क्यू है तो ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए पहले से ही इस पे क्यू चार्ज था, है ना, और इसके बाद क्यू रखा गया, उसके बाद क्यू रखा गया, तो अंदर वाले सरफेस पे क्या आएगा? अरे क्या आएगा? माइनस ऑफ क्यू, इसका अपोजिट आता है, ये एकदम बता रहा है ना, हमेशा। बाहर वाले पे क्या आएगा? बाहर वाले पे क्या आएगा? माइनस क्यों इधर आ गया तो, अरे कोई दिक्कत है, बता सकते हैं ना किस पे कितना चार्ज होगा? चलिए अब मान लो सेंटर पे बिल्कुल चार्ज है, ठीक है, स्फीयर लेते हैं,
कैविटी है, सेंटर पे चार्ज रखा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, दो सरफेस है S1 S2, ठीक है। S1 पे क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर पे है तो यूनिफॉर्म। S2 पे कैसा होगा, S2 पे भी होगा यूनिफॉर्म। अगर मान लो उसी में हमने सेंटर पे ना रख के इधर रख दिया Q1, तो अंदर वाले पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देख इधर पास में ज्यादा चार्जेस होंगे, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा ना, और इधर कम होगा। यानी कि S1 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। S2 पे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म। मान लो बाद कोई चार्ज रख दिया, इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, अरे होगा ना, वापस है S1 S2, S2 पे नॉन यूनिफॉर्म। अब इस पे कोई चार्ज डेवलप हुआ है, मान लो नेगेटिव चार्ज आया है, तो अंदर वाले पे पॉजिटिव आया होगा, अंदर वाले पे डिस्ट्रीब्यूशन S1 यूनिफॉर्म। सिंपल सी बात बता रहा हूं कि अंदर का चार्ज का कोई इफेक्ट बाहर नहीं होता है, और बाहर वाले का कोई इफेक्ट अंदर नहीं होता है। मतलब ये जो अंदर वाला चार्ज है जिसको तूने रखा है और जो इंड्यूस्ड हुआ है, दोनों मिलके बाहर किसी भी पॉइंट पे, मान लो तू कोई पॉइंट पे ले लिया, तू चाहता है कि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू क्यू वन, बोलो ना यार, आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज अंदर वाले सरफेस पे, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज आउटर वाले सरफेस पे, यही आएगा ना, बोलो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों हमेशा क्या होंगे, मतलब अंदर वाले का बाहर इफेक्ट नहीं, बाहर वाले का अंदर इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो चाहो तो मेंशन कर लो ये सारा लिखने के बाद। रखो आ रहा है, क्लास में रख दो। दस बज गया मैम, दस बज गए, कितना ऐसे कैसे हो गया ये, ऐसे कैसे, अजीब लग रहा है ना, कहाँ गया डब्बा, इधर था इसमें डाल,
अगर चार्ज को कैविटी के इनसाइड मूव करोगे तो आउटर सरफेस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनअफेक्टेड होगा। एक पॉइंट तो ये होगा। अगर कंडक्टर के बाहर किसी चार्ज को फास्ट मूव करोगे तो कैविटी वाले सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उससे अनअफेक्टेड होगा। कुछ खास है नहीं ऐसे ही पता होना चाहिए। सवाल अगर ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, मान लो एक मेटल प्लेट है, उस पे चार्ज दिया क्यू, दो सरफेस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा इस पे नेग्लेक्ट मानना है, ये बहुत ज्यादा थिन है तो इस सरफेस को नेग्लेक्ट करना है, दो ही सरफेस मान के चलना है, कितना कितना चार्ज आएगा बहादुर? बहादुर कहाँ गए? बाहर गए। हाँ जी, कितना कितना चार्ज आएगा और क्यों आएगा? मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया क्यू वन है ना, और इस पे क्यू टू, क्यू वन प्लस मिटेगा नहीं, मिट जा रहा है, थोड़ी देर बाद नहीं मिटेगा वो। Q1 plus Q2 is equal to, ठीक है, कुछ नहीं पता तो कम से कम एक चीज तो पता है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, होता है ना भाई, तो चलो इस पे कुछ चार्ज आया Q1 और इस पे क्यों चार्ज है, कुछ चार्ज आएगा। हमें पता है कि ये जो ए सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, करेगा ना, और वो कितना होगा अभी निकाला था, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आया था। मान लीजिए कुछ टाइम के लिए कि प्लेट का एरिया क्या है ए, तो बेसिकली सिग्मा क्या हो जाएगा एक सरफेस का क्यू वन अपॉन ए, दूसरे सरफेस का क्यू टू बाई ए, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, हो गया ना, और इस वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और ये क्या होगा Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट,
और जब कंडक्टर है तो ए वन प्लस ए टू क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स क्यू वन इज इक्वल टू यानी कि हाफ हाफ शेयर होगा, ऐसा ही है। मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है और इस पर क्यू चार्ज दिया गया था, वापस दो सरफेस हैं, कितना कितना चार्ज आएगा? वापस दो सरफेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मेटल प्लेट है, क्यू चार्ज दिया गया, कितना आएगा? वापस वही करना है यार, मुझे नहीं पता, मान लिया क्यू वन और दूसरा मान लिया क्यू टू, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इधर कुछ आया चार्ज और कुछ इधर आया समथिंग, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो आएगा क्यू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस सरफेस की वजह से लिखेंगे तो आएगा क्यू टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। पहला इक्वेशन है क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू, दूसरा हो जाएगा क्यू टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई प्लस क्यू वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, होगा ना? तो क्या Q2 माइनस Q1 E इंटू टू एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 कर दो साल, अरे बोलो है ना, तो बता सकते हैं इस तरीके से। सारे मॉड्यूल मिल गए ना सारे, डीपीपी मिल गए, कितने डीपीपी मिले? दो ही मिले,
कहाँ गया है? चल अब मान लीजिए दो प्लेट है हमें सामने, ठीक है, आपने कुछ चार्ज दिया दोनों पे, मान लो इस सरफेस पे चार्ज आया, सपोज कुछ भी आया Q1 समथिंग, और इस वाले फेसिंग सरफेस पे चार्ज आया Q2, मैंने माना है, ठीक है, हमें गॉसियन सरफेस उठा रहे हैं सिलेंड्रिकल, सही है। अब जब गॉसियन सरफेस उठा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर क्या होता है? जीरो होता है ना यार, तो आप लिखोगे E.ds तो क्या हो जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो, अब हमें पता है दोनों, मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया वो कंडक्टर के अंदर उठाया है, ये तो जीरो ही आएगा क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यू इनक्लोज लिखेंगे तो Q1 इस सरफेस पे और Q2 इस सरफेस पे, यानी कि Q1 प्लस Q2। हाँ, एक और किस समझ में आया? Q1 = -2। मैंने कोई कंडीशन नहीं लिया, मैंने ऐसा ही मान लिया Q1 Q2। मान लो यार इस पे कुछ भी चार्ज दिया तूने Q1 - इस पे Q2 - उसमें कुछ इस सरफेस पे आया, 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 मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने एक गॉसियन सरफेस उठाया अंदर अंदर, और इससे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं E.ds लिख रहे हैं, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना यार, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी तो इधर या इधर है ना, और ये जो सिलेंडर है इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? ऊपर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होने वाला नहीं है, अरे नहीं होगा ना, इसका मतलब E.ds जो है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज क्या, मैंने मान लिया इस सरफेस पे, मान लो Q1 है इस पे Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 भाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 इक्वल -Q2। कहने का मतलब कि जो फेसिंग सरफेस है ना उस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। बात समझ में आई? किसी भी कंडीशन में इसको लिखो और लिखो साथ में पॉइंट, फेसिंग सरफेस हैव ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। Facing surface have equal and opposite charge.
चलो मान लो इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, ठीक है, सही है। मान लिया इस पे एक्स आया, इधर क्या रह जाएगा बेटा? अरे रहेगा ना, बोलना यार, इधर क्या जाएगा और इधर आ जाएगा। पॉइंट उठाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 0 होना चाहिए। कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट उठाया, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होना चाहिए? 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसके किसके वजह से होगा? एक्स के वजह से। एक्स कैसा है? पॉजिटिव मानोगे तो किधर आएगा? इस तरफ आएगा ना। माइनस एक्स की वजह से, नेगेटिव है उतना ही आएगा इधर, यानी कि दोनों तो कैंसिल ही होने वाले हैं। अरे बोलो। ओके, इसका मतलब अगर 0 होना इस पॉइंट पे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो, अपोजिट हो, तभी तो 0 होगा ना। यानी कि Q1 माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q2 माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2x इक्वल्स Q1 माइनस Q2, एक्स इक्वल्स Q1 माइनस Q2 बाई 2। Q1 माइनस एक्स निकाल, आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q2 माइनस एक्स निकाल, Q1 प्लस Q2 बाई 2। कहना ये चाह रहा हूं मैं कि जो भी चार्ज आप दोगे तो अंदर वाले पे आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का माइनस। अरे बोलो ना, बाहर वाले पे क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इधर भी बाहर वाले पे क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। बाहर वाले पे देख इक्वल है, इक्वल होना ही पड़ेगा, नहीं तो पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों का तो कैंसिल ही हो जाएगा इफेक्ट। यार दो नहीं पांच प्लेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ अगर एक्स होगा तो यहाँ माइनस एक्स होगा, यहाँ पे मान लो कुछ और आ गया बाई, तो यहाँ क्या होगा? माइनस बाई। फेसिंग वाले पे तो अपोजिट होने हैं ना, तो अपोजिट अगर होना है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कहीं भी लोगे तो इन दोनों का क्या आएगा? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बचा कौन? सबसे लास्ट वाला। तो लास्ट वाले से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए उनसे भी। उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगा? जब दोनों पे इक्वल चार्ज आए। अरे तभी पॉसिबल है ना। तो देखना, मैंने तो नॉर्मली ऐसे लिया, Q1 माइनस एक्स आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q2 माइनस एक्स भी वही आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। भरोसा नहीं करके देख ले, है ना। तो बाहर वाले पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, अंदर वाले पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 लिख लीजिए। कोई है, बैटरी बर्बाद कर रहा हूँ। सारे तो आए ही हैं, कोई नहीं है ना, सारे तो आए ही लगभग।